अपनी एंग्जाइटी को कैसे दूर करें, अनिद्रा, ठीक है, चिंता, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको हम योगा के माध्यम से कैसे दूर करेंगे वो आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, ठीक है। तो वार्म अप में हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आज थोड़ा सा बाहर वेदर जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकारचण्डताण्डवम् तनूपुनः शिवः शिवम् जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकारचण्डताण्डवम् तनूपुनः शिवः शिवम् सिंपल आंखें बंद करें, प्राण नेत्र इनहेल करते हैं, हाथों को खोलना है, न तेजो न वायु नमस्ते, और एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लेके आए, दोबारा से इनहेल एक्सहेल करते हुए नीचे एक बार फिर इनहेल एक्सहेल करते हुए नीचे इनहेल एक्सहेल करते हुए नीचे ओके। तो इस तरीके से आपने पहला आसन करना है, ठीक है। नाउ सेकंड इज नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन कैसे करना है, आप सुखासन में बैठ जाए, आराम से सुखासन में बैठे, ठीक है। सुखासन मतलब हैप्पी पोज, जिसमें आप आराम से बैठ सके, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आपको इस तरीके से बैठना है, ठीक है। नाड़ी शोधन करेंगे, अपने लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, यस, एक बार इनहेल करें, बंद कर दें, और लेफ्ट से एक्सहेल करें। अब यहीं से इनहेल करें और यहां से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, यस। थोड़ी देर शांति में बैठे, आज हम कर रहे हैं योगा फॉर एनएक्साइटी, योगा फॉर एनएक्साइटी, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे हैप्पी पोज, फिर से वज्रासन में बैठ जाएं, बालासन कहते हैं इस आसन को, इनहेल करें, दोनों हाथ यहां, एक्सहेल करते हुए
हाथों को आगे फ्लोर पे रखें एंड टच, अपना फोरहेड नीचे जमीन पे लगाएं, इनहेल और एक्सहेल करते रहें। कंप्लीट रेस्ट में जाएं। सारा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर होना चाहिए, सांसों पर, जो आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाएं। वापस आए एक बार दोबारा से, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए दोबारा से उसी पोजीशन में। वापिस अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। अपने हाथ अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर दें और हल्का सा यहां से उठा के रखें, हल्का सा, ठीक है। और दोनों हाथों को यहां पर डालें और एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ें, या पकड़ लें या फिर अपने हैंड को पकड़ लें, ठीक है। और इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए जितना आपसे जाया जा सके उतना आगे जाएं। अब उसी पोजीशन में आपको 4 से 5 बार सांस लेनी है और छोड़नी है। आंखें बंद कर सकते हैं। दोबारा से अब पैरों को सीधा कर लें। अभी आपने पैरों में गैप करा हुआ था, अब पैरों को सीधा कर लें, ठीक है। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए आगे जाएं। अपने दोनों पंजों को पकड़ें, इसी पोजीशन में होल्ड करें और इनहेल और एक्सहेल करें। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे हैप्पी पोज। यस, अब हम करेंगे रैगडॉल उत्तानासन। अपनी बॉडी को हल्का सा घुटनों से बेंड करें, लाइक दिस, ठीक है। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं। दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ लें, यस, एंड रोलिंग, लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, जैसे झूला होता है उस तरीके से। बहुत आराम आराम से करें। दोबारा से वापस एक बार फिर से करें, हल्का सा घुटनों को बेंड करें, लाइक दिस, ठीक है। इनहेल करें, सांस ले अंदर, हाथों को बांधे नीचे। जब शिवोहम भाव हृदय में जागृत होता है और सत चित और आनंद की अनुभूति होने लगती है, तब चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न
तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण सौग्नो न वै सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायौ चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द